श्यामा जी से पहले भी हमारा इच्छा था मिलने के लिए, इसलिए कि इनका पिताजी जब हम बिहार में मंत्री थे, विधायक थे, उस समय ही सांसद के रूप में थे। अब पूरे भारत में इनका एक पहचान था। लॉकडाउन के चलते हम लोग को आने में विलंब हुआ और श्यामा जी के सहानुभूति में हम लोग आए हैं। हम लोग अपना जो हमारे दोस्त मित्र साथ आए हैं, हम लोग का यही आशीर्वाद, यही हम लोग का दुआ है कि अपना पिताजी से बढ़ के ही समाज सेवा करें, यही हम लोग का शुभकामना देने के लिए इनको आए। क्या कुछ होने जा रहा है सर बिहार की राजनीति में आने वाले समय में? देखिए, बिहार के राजनीति में तो स्थिति बिहार की खराब है, इसलिए कि बिहार में लोकतंत्र है ही नहीं। जो सांसद विधायक का समान इज्जत पहले होता था, अधिकारी लोग विधायक सांसद के बात को सुनते थे। आज विधायक हो या एमपी हो, सारे लोग अपमान सह रहे हैं, कोई विधायक की बात नहीं सुनता है, कोई एमपी का बात बिहार के अधिकारी नहीं सुनता है। इसलिए बिहार के जनता का सेवा और जनता का काम एमपी एमएलए करते हैं, मगर वहाँ के थानादार, ब्लॉक, अनुमंडल के अधिकारी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए विधायक अपमानित हो रहा है। इसलिए हम तो समझिए कि अब एक सोच ले लिए हैं कि अब इससे अधिकारी जो मनमानी करता है, इसको सुधार करने के लिए एक उत्तम व्यवस्था होना चाहिए जो विधायक का समान हो। और विधायक के क्षेत्र में जो काम है, थाना में, ब्लॉक में जाते लोग इनकी बात सुनकर काम करे। इसलिए हम लोग तो अब इस पर लगेंगे, अलग के सारा बिहार के जो अभी आज स्थिति है उसको सुधारने के लिए हम, ऐसे तो यहाँ राजनीतिक बात करने के लिए हम नहीं आए, न राजनीतिक यहाँ पर बात हुआ, मगर इनके पिताजी के साथ बिहार में जितना गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल है, जो जिस पर पार्टी, सभी पार्टी के लोग टिकट भी देता है, जिस पर 10-10 मर्डर केस है, उसको नहीं दिया तो उसके पत्नी को टिकट देने का लोग काम किए हैं, तो यह सारी समस्या देखकर यह हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिहार में अपना पॉलिटिकल, अपना हम बात कर रहे हैं उस कि एक अच्छा बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। आप बिहार के राजनीति एक अलग हो, जिससे सांसद और विधायक का समान हर कार्यालय में होना चाहिए। सर, देखिए, मंत्री भी रहे और जदयू से आपकी टिकट काट दी गई, ये माना जाए कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं नहीं, यार देखिए, वो पार्टी, हम कभी पार्टी में नहीं थे। पहला बार हम नीतीश कुमार जी के पार्टी में गए थे, वो बुलाने पर। हम तो शाम की राजनीति करते हैं, हम किसी के पास झुक कर हम कभी रहे हैं और न कभी हम रहेंगे। इसलिए वो टिकट की बात नहीं, विधायक की बात नहीं, कटने की भी बात नहीं है, मगर विधायक और एमपी एमएलए का सम्मान दिलाना हमारा धर्म है। जिस तरीके से सर उथल पुथल मची हुई है सरकार को लेकर, क्या लग रहा है, क्या सरकार गिर जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी नीतीश कुमार असहाय हो गए हैं। नीतीश कुमार की छवि जो पहले था, वह अब छवि रह नहीं गया है, इसलिए कि आप जान ही रहे हैं कि संख्या में बीजेपी के लोग आगे हैं। हम तो बिहार की स्थिति खींच खांच के चल रही है, कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि 22 के करीब करीब चुनाव भी हो जाए। नहीं नहीं, ये वो देख लीजिए, ओसामा साहब के बारे में पूरे बिहार के, हम पूरे पूर्वांचल के बारे में हमको जानकारी है। पिताजी के सहानुभूति के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान ओसामा जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सर, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरफ आपका इशारा है, क्या कुछ नई नया रणनीति बनेगा,
बनना चाहिए? देखिए हम तो कोई पार्टी दल है नहीं, जो सर आज आपसे बातें हुई नहीं, बात बात वही देखिए शाहबुद्दीन ने परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया था, अभी बीजेपी अच्छा महागठबंधन में, महागठबंधन लालू जी के और नीतीश कुमार के गठबंधन में ही बिहार के सारा गुंडा बदमाश बिहार के जेल में रहता है और शाहबुद्दीन तिहाड़ के जेल में रहते हैं महागठबंधन में, तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो क्या सर तो माना जाए कि पार्टी की तरफ से अनदेखी की गई है, कहने का ये मतलब आपके राजद की तरफ से मोहम्मद शाहबुद्दीन को अनदेखी की गई है? अब ये पूरे बिहार के मुसलमान लोग समझ गए हैं कि कैसे शाहबुद्दीन जैसे बहादुर, अब मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लोग से मजबूत है शाहबुद्दीन से शरीर से, तो हम लोग के पास कुराना कहाँ आया, रोज हम लोग घूमते हैं, आप लोग लगाते हैं मास्क लगाए हैं, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो जिसके शरीर में जान है उस पर कुराना असर नहीं कर सकता, तो शाहबुद्दीन जी के पूरे देश जानता है कि क्या हुआ है। और हम लोग के सहानुभूति, हम लोग इन शाहबुद्दीन के हम भाई मानते थे, तो उनका बेटा हमारा भतीजा हुआ, हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए सर, नहीं। जिस तरह से लालू यादव का परिवार खड़ा नहीं रहा, ऐसे में ओसामा साहब को क्या करना चाहिए? देखिए लालू परिवार के वो नेचर है कि जो आदमी आगे बढ़ने का कोशिश करता है उसको छांटने का काम करते हैं, और जो जो बिहार में उनके समय में स्थिति हुआ कोई को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं वो लोग, समझ गए ना, इसलिए शाहबुद्दीन का कद इतना बड़ा है कि अब मरने के बाद भी लोगों का मिलने का काम, हम तो आए थे, हम तो आए हैं यहाँ बिहार में से 150 आदमी आए हैं, तो 150 आदमी तो ओसामा के आशीर्वाद दिया कि आपको दुआ दे रहे हैं कि शाहबुद्दीन से बड़ा बन के दिखा दो बेटा, यही लोग आशीर्वाद दिया, हम भी यही आशीर्वाद देते हैं। सर तो जो राजद के लोग कह रहे हैं, जो पार्टी के कुछ नेता है तो कहना है कि राजद मोहम्मद शाहबुद्दीन के साथ थे, तो क्या ये घड़ियाली आंसू कहा जाए इसको? अरे 24 को परिवार लालू यादव के दिल्ली में रहता है तो एक दिन मिल तो लेना चाहिए था, कौन नहीं मिलता है बताइए, नीतीश कुमार जी नहीं मिलते थे आपका आनंद सिंह हो या आपका जो जो पार्टी में लोग थे, तो मिल लेना चाहिए था। यादव का नहीं आना किस तरीके का इशारा कर रहा है? तेजस्वी जी के दिल्ली से फुर्सत नहीं है इसलिए उस पर हमारा बोलना उचित नहीं बुझा। सर कोई आधिकारिक बयान भी उनको जारी कर देना चाहिए अगर कोई असमर्थता है या किसी तरह की कोई परेशानी है आने में, तो कहाँ यहाँ आने में है अगर तेजस्वी यादव को किसी तरह की परेशानी है तो क्या उनको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी? लोकतंत्र में कोई अधिकारी कोई किसी को रोक नहीं सकता, मान लीजिए कि हम जमात लेके नहीं चलेंगे लेकिन हम अकेले तो जा ही सकते हैं, इसलिए उस पर अब ओसामा साहब के देखिए हम लोग हर दुख सुख में साथ देंगे, यह हमारा संकल्प। धन्यवाद।